नाग देवता की पूजा। आज मेरे गांव में नाग पंचमी का त्यौहार है, तो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठ के जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाता हूँ और एक्सरसाइज और थोड़ा मेडिटेशन करने के बाद मैं स्नान कर लेता हूँ और अपने आप को शुद्ध करने के बाद मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा निकल जाता हूँ मंदिर की ओर। मंदिर की ओर जाने के बाद मैं सबसे पहले करता हूँ नाग देवता की पूजा और उन्हें दूध अर्पण करता हूँ और उसके बाद निकल जाता हूँ मैं अपने घर के लिए। और घर की ओर आने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे गाँव के सभी लोग इकट्ठा हुए, तो मैं उनके साथ सभी लोग के साथ इकट्ठा होकर मैं निकल जाता हूँ नाग देवता की पूजा करने के लिए। और हम गाँव के सभी लोग नाग देवता की पूजा करने के लिए गांव से थोड़ा दूर आते हैं और वहां पे हम सभी लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। और नाग देवता की पूजा करीबन 1 से 2 घंटा चलती है और 1 से 2 घंटा की पूजा में गांव के सभी लोग नाग देवता को दूध और नारियल अर्पण करते हैं। और वहां पे थोड़ा देर वेट करने के बाद सभी के लिए प्रसाद आ जाती है और मैं निकल जाता हूँ घर की ओर। जैसे मैं घर की ओर निकलता हूँ तो मुन्नी और कालू मेरे इंतजार में खड़े थे और फिर मैं अपने गली के बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने लग जाता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले जय श्री राम।